हेलिकेस एंजाइम ने जब यहाँ से कट किया तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ से रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या हुआ कि जिस तरीके जब हाइड्रोजन बॉन्ड कट हुए तो यहाँ पे जब इसकी ओपनिंग हुई, ये दोबारा से जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ना बने इसलिए क्या होता है, इस स्ट्रैंड को रोकने के लिए एक प्रोटीन आ जाता है, इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन मींस ये क्या करेगी, इस दो जो स्ट्रैंड के ऊपर अटैच हो जाएगी और इसे रोक कर रखेगी कि दोबारा से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन के ना बन जाए। ठीक है ना, हमें ये जुड़ने से रोकना है, जहाँ पे मीन जो रुकता है जहाँ पे प्रोसेस, इसके लिए क्या होता है एसबी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आप एक चीज़ को समझिए, जब यहाँ से ओपनिंग की चीज़ की हुई तो यहाँ पे जो तनाव पैदा होगा, जहाँ पे जो खिंचाव पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, इस टेंशन को दूर करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नेम है टोपो आइसोमेरेज। जो एंजाइम है वो क्या करता है, जो यहाँ पे टेंशन इसकी जो तनाव पैदा हुआ है इसको ख़त्म करता है। अब जब रेप्लिकेशन फॉर्क बन गई क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। वो क्या करेगा, जैसे हमने आपको बताया था इसकी जो पोलैरिटी होती है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की, 5' से 3' स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। तो सीधी सी बात है, ये कौन सा स्ट्रैंड उठाएगा जिसकी पोलैरिटी कितनी हो, 3' to 5'। तो यहाँ से ये प्राइमर को जोड़ना अटैच कर देता है, प्राइमर को जोड़ता जाता लगातार, जोड़ता जाता इस तरीके से जोड़ता जाता लगातार। जी, अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जुड़ता जाता है। ठीक है, अब जितनी फॉग बनी थी यहाँ पे आगे टोपो आइसोमेरेज यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देगा, तो क्या होगा, इसे घूमना पड़ेगा यहाँ से। तो एक साइड में देखा हमने किस तरीके से कंटिन्यूसली सिंथेसिस हो रही है, इस स्ट्रैंड को बोलते हैं जो यहाँ पर सिंथेसिस हुई, कंटिन्यूस जो सिंथेसिस हो रही है यहाँ पर, इसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जो मीन्स कंटिन्यूस सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है। जबकि दूसरी साइड में क्या होगा, यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के लिए अपोजिट हो जाएगा, मीन्स पोलैरिटी मिल नहीं पाएगी इसको। तो मीन्स अब जोड़ेगा, अटैच करना कोशिश करेगा, 5' से 3' जोड़ने कोशिश करेगा तो कंटिन्यूस सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, छोटे छोटे प्राइमर के टुकड़े को जोड़ना शुरू करता है। तो बीच में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, क्योंकि यहाँ से इसको लौट के आना पड़ रहा है, घूम के आना पड़ रहा है, इस वजह से प्रॉपरली सिंथेसिस नहीं कर पाता, फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में प्राइमर को जोड़ पाता है, जो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। अब बात आती है कि अब इस स्ट्रैंड में क्या हुआ, कंटिन्यूसली सिंथेसिस नहीं हुई, इस स्ट्रैंड को बोलते हैं डिसकंटिन्यूस जो सिंथेसिस हुई यहाँ पर, इसे बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैगिंग, इस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, जिसमें कि कंटिन्यूस सिंथेसिस नहीं होती। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट रह गया, दैट इज द, अब जो फ्रेगमेंट्स बने हैं, अब डीएनए के छोटे छोटे जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्राइमर को अटैच जहाँ पे हुआ है, छोटे छोटे जो अटैच हुए हैं न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे प्राइमर के, इसको आपस में जोड़ता है, एक एंजाइम आता है, दैट इज द डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ के कंटिन्यूसली यहाँ पे सिंथेसिस करता है। जैसे इस तरीके से सिंथेसिस होती है, यहाँ से फिर टोप कट हो जाता है। ठीक है, एंजाइम जो यहाँ पे जब बन जाते हैं दोनों, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं यहाँ से कट हो जाते हैं और एक पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनए बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से जब दो थोड़ा सा बनते जाते हैं, फिर आगे की प्रोसीजर कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है ना, मीन्स इतने दो डॉटर डीएनए बन गए, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेली के जाता है, दोबारा से वो प्रोसेस रिपीट होती रहती है। तो इस तरीके से हमने सीखा आज रेप्लिकेशन की जो मशीनरी है, मैकेनिज्म है, किस तरीके से प्राइमर अटैच हुए, किस तरीके से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे वर्क किया। ठीक है, अब एक चीज़ हमको और समझनी है कि डीएनए का बहुत, हम जानते हैं कि काफ़ी लंबा स्ट्रैंड होता है डीएनए का, काफ़ी मीन्स लॉन्ग होता है, जैसे कि हमने जानते हैं कितने बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है ना, हमने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कितने ईकोलाई के डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं, कितने ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में बेस पेयर्स होते हैं, है ना। तो
डीएनए में जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, कुछ ऐसी साइट्स होती हैं स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, यहाँ से ओरिजिन होती है रेप्लिकेशन की। इस बात को पॉइंट को समझना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है, उसे कहते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं या साइट को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करती है। ऐसा नहीं कि हर जगह से ऐसा रैंडमली नहीं होगा कि कहीं से मीन्स वो डीएनए के स्ट्रैंड से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ही होते हैं जहाँ से वो स्टार्ट होती है, उस साइट को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। एक और आपको बात बता दें कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो एस फेज जो सेल साइकिल की होती है एस फेज में चलती है, ठीक है, एस फेज में चलती है। और रेप्लिकेशन की प्रोसेस ई कोलाई के अंदर जैसे कि हम जानते हैं 20 मिनट में जो डबल हो जाता है, एक साल से दो साल बन जाती है ई कोलाई की बैक्टीरिया की, तो इसमें रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है लगभग 18 मिनट्स लगते हैं इस प्रोसेस को होने के लिए। तो एवरेज रेट आ जाता है अगर पॉलीमराइजेशन देखा जाए डीएनए का, पॉलीमराइजेशन कितने में मिस डबल हो रहा है, तो एवरेज इसके बेस पेयर्स की लगभग 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड, एक सेकंड में 2000 बेस पेयर्स जो कि नए सिंथेसिस होते हैं डीएनए के। तो ये था आज हमने स्टडी किया, मशीनरी स्टडी की डीएनए रेप्लिकेशन की, बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ने की कोशिश किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।